आता है प्राइवेसी कैमरा विथ सेल्फ शटल, जहाँ पर आप स्विच करने पे लेफ्ट एंड राइट वो प्राइवेसी कैमरा ऑन ऑन एंड ऑफ कर सकते हो फॉर या प्राइवेसी सिक्योरिटी पर्पस। दूसरा, ये लैपटॉप के अंदर फिंगरप्रिंट लॉगिन है फॉर बायोमेट्रिक टू इजी एक्सेस। कीबोर्ड में लाइट आती है, बैकलाइट विद अ वाइट लाइट। एंड यहाँ पर आता है 2.0 का USB विद पावर इंडिकेटर एंड चार्जिंग इंडिकेटर। ये इसका वेंटिलेशन फैन है। और सेकेंड, ये लैपटॉप में यहाँ पर हेडफोन जैक मिलेगा विथ 3.0 USB टाइप सी एंड 3.0 टाइप ए USB विथ HDMI आउटपुट। तो आप आपकी TV मॉनिटर या प्रोजेक्टर पे स्क्रीन कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी स्क्रीन। और यहाँ पर सब फ्यू मैकेनिज्म है कीबोर्ड के, जैसे कि इसमें फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स है एंड जो मैं ऑलरेडी 180 इंचेस का इसका स्क्रीन फ्लैक्स हो सकता है। और यहाँ पर एक लिंक है माई एसुस करके, जहाँ से आप आपका मोबाइल टू लैपटॉप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं विथ नॉइज़ कैंसिलेशन माइक, जो बाहर की आवाज़ को एनहांस करके आपको स्पीकर पे माइक पे बात करने पे रेड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसका डिस्क्रिप्शन ये है, प्लस तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये टच स्क्रीन लैपटॉप है, तो इसके पहले अपन परफॉर्मेंस पे जाते हैं। यहाँ पर ये इसका परफॉर्मेंस है। ये कोर i5 12 जनरेशन का P प्रोसेसर है विथ 1.7 बेस स्पीड विथ 12 कोर एंड लॉजिक कोर प्रोसेसर इज 16 विथ 12 MB कैश फाइल। ये लैपटॉप में आता है 8 GB का रैम DDR4 विथ एडिशनल स्लॉट। सो इन फ्यूचर तुमको स्टोरेज बढ़ाना है फॉर द रैम, अपग्रेड करना है रैम, तो वो आप अपग्रेड कर सकते हो। अदर देन दैट इसमें आपको 512 GB का SSD NVMe मिलता है थर्ड जनरेशन। और इसमें आता है Wi-Fi 6 AX2021 160 MHz, विच विल सपोर्ट फॉर 5G नेटवर्क ऑल्सो। एंड इसमें आता है शीट ग्राफिक कार्ड फॉर बेसिक यूज़, ओके है। फर्स्ट यहाँ पर आता है स्पीकर का, जहाँ पर FM डायरेक्ट प्रेस करने पे आपका स्पीकर्स बंद डिसेबल हो जाएंगे। अप एंड डाउन लाइक अ वॉल्यूम अप एंड डाउन करना है तो ये है। एंड स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है अप एंड डाउन यहाँ से दोनों से हो सकता है। एंड दिस इज़ फॉर द माउस ट्रैक पैड ऑन एंड ऑफ करने के लिए। और एक चीज़ आता है, ये है कीबोर्ड, बैकलाइट कीबोर्ड का F7। बट इसमें एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप F7 को प्रेस करते तो ऑफ होता है कीबोर्ड, और एक बार प्रेस करोगे तो वन टाइम में डिम लाइट शुरू होगी फॉर दी बैकलाइट योर कीबोर्ड। दूसरा थोड़ा और प्रेस कर थोड़ा एनहांस होगा, एंड द लास्ट वन मोर टाइम तो वो और ब्राइट हो जाएगा। एंड देन वन इज़ द माइक फॉर द कैमरा, F1 इज़ फॉर दी स्क्रीनशॉट फोटोज। और ये है माई एसुस का F12, जिसके अंदर आपको इनिशियलाइज करना है फॉर दी माई एसुस एप्लीकेशन, जिसमें आपको अपडेट सिक्योरिटी अपडेट्स OS अपडेट एंड वारंटी क्लेम करने के लिए, इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा टू क्लेम द वारंटी।